हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है निखिल कुमार पमनानी और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है G7 ग्रुप। तो फ्रेंड्स, ये G7 ग्रुप होता क्या है? G7 ग्रुप 7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ पे वर्क करता है। कौन से इश्यूज़? जैसे इकोनॉमी रिलेटेड, क्लाइमेट इश्यूज़ या जेंडर इक्वलिटी के इश्यूज़। तो ये इश्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं ताकि कंट्रीज़ इसको इम्प्रूव करके अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करे और जो इश्यूज़ चल रहे हैं उससे कंट्री पर क्या दबाव आ रहा है, क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है उसको इम्प्रूव करने में, तो इन पे वर्क करती है। ओके, तो इस टॉपिक पे हम इसकी ट्रिक याद करेंगे कि कैसे हमें G7 कंट्रीज याद रखनी चाहिए। ओके, हमने कई बार देखा है कि SSC रेलवे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी G7 कंट्री नहीं है, तो आपको कैसे याद रखना पड़ेगा कि G7 कंट्रीज़ होती कौन कौन सी है। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक ट्रिक लेके आया हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिक टू रिमेंबर G7 ग्रुप। तो ट्रिक हमारी एक राइम है जिसमें लिखा हुआ है जूस विथ GF। ओके, आप तो समझ ही गए होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है जूस विथ गर्लफ्रेंड, तो हमें क्या रखना है? जूस विथ GF। उसमें भी आपको दो वर्ड याद रखने, कौन कौन से? जूस और GF। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है JUICEGF। अब J से क्या है? J से जापान कंट्री है। U से क्या है? USA। USA मतलब यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद है I से है इटली। C से है कनाडा। E से है इंग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। G से है जर्मनी और F से है फ्रांस। तो अगर आप इस राइम को याद कर लेते हैं तो आपको हमेशा G7 कंट्रीज़ याद रखने में आसानी जाएगी। अब आगे हम इसके बारे में थोड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द ग्रुप ऑफ सेवन G7 इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलप इकोनॉमीज। इट ब्रिंग्स टुगेदर द वर्ल्ड्स एडवांस इकोनॉमीज टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल ट्रेंड्स एंड टैकल परवेसिव एंड क्रॉस कटिंग इश्यूज। इट स्ट्रेंथन्स इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, मेन स्ट्रीम क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर इक्वलिटी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि ये G7 कंट्रीज अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस करती हैं, उसको इम्प्रूव करती हैं, जैसे कि इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वलिटी, जिससे इनकी कंट्रीज को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ओके, अब इसके बाद आगे एक और चीज़ है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे जो G7 सम्मिट्स हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग ईयर में होते रहते हैं, तो कई बार इससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे 45th G7 सम्मिट 2019 में हुई थी, कहाँ पे? फ्रांस में हुई थी। अब इससे क्वेश्चन क्या सकता है कि फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रांस की करेंसी कौन सी है, तो हमें अप टू डेट होना पड़ता है। इसके बाद 46 सबमिट जो 2020 में हुई थी वो US में हुई थी, लेकिन ये COVID-19 के कारण कैंसिल की गई थी। उसके बाद 47 जो 2021 में होगी वो यूनाइटेड किंगडम में होगी। 2022 में 48th होगी जो जर्मनी में होगी। 2023 में 49th होगी जो जापान में होगी। और 2024 पे 50th G7 सम्मिट होगी जो इटली में होगी। तो ये सब हमें पहले से याद होना चाहिए, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, किसमें? रेलवेज में, SSC में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और कोई चेंजेस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।